अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भारतीय दौरा मुकम्मल हुआ। दूसरे रोज दिल्ली में उन्होंने भरपूर दिन गुजारा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ एक अहम मीटिंग भी हुई, बल्कि एक से ज़्यादा मीटिंग्स हुई, मगर जो एक अहम उनकी प्रेस अपीयरेंस हुई वो अपनी जगह पर अहम है। इसके साथ साथ उन्होंने जो अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग से की, जिसके बारे में बहुत सारी रिजर्वेशन थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे जिन्होंने ऐसे सवालात पूछने की कोशिश की जिनसे अमरीकी सदर का कोई ऐसा बयान उनके सामने आ सके कि भारत का उनका ये दौरा किसी तरह से कंट्रोवर्सी का शिकार हो जाए। मगर सदर ट्रंप ने इंतहाई हुनरमंदी के साथ जर्नलिस्टों को टैकल किया, ख़ासतौर पर उन जर्नलिस्टों को जो उनको प्रोवोक करना चाहते थे, क्योंकि सदर ट्रंप बिल्कुल वाज़े थे कि वो भारत के साथ किस कदर अहम तल्लकात चाहते हैं और तल्लकात की अहमियत के पेश नज़र जो सबसे अफसोसनाक सानहा या वाकया या वाकयात दिल्ली में उनके दिल्ली के दौरा के दौरान हुए वो थे दिल्ली में राइट्स। सोचने वाली बात यह है कि CAA के कॉन्टेक्स्ट में अब तक इस नौयत के राइट्स दिल्ली में नहीं हुए। आखिर सदर ट्रंप के दिल्ली के दौरा के रोज ही ऐसे राइट्स क्यों हुए? बिल्कुल वाज़े जवाब मिल गया भारतीयों को भी, पूरी दुनिया को भी, और यकीनी तौर पर अमेरिकन्स को भी ये अंदाज़ा हो गया। मैं अंदाज़ा तो एक छोटा शब्द है, उनको इस हकीकत का इल्म हो गया कि कम्युनल फोर्सेस क्यों सदर ट्रंप की दिल्ली में मौजूदगी पर ऐसे खौफनाक हादसे करना चाह रहे थे, ऐसे खौफनाक राइट्स करना चाह रहे थे, ताकि सदर ट्रंप के दौरा को सबोताज किया जा सके और किसी तरह से ऐसी बात सदर ट्रंप के मुंह से कहलवाई जा सके एन उसी रोज़ जब वो दिल्ली में मौजूद हैं, दिल्ली में आग लगाकर कोई एक अहम बात सदर ट्रंप से कहलवाई जा सके कि वो भारत के खिलाफ कोई एक शब्द कहें। मगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सदर ट्रंप को अंदाज़ा है कि इस तरह की जो लोअर लेवल की पॉलिटिक्स है उस पर लोग किस हद तक जा सकते हैं। सदर ट्रंप को ख़ुद ये अमेरिका में फेस करना पड़ा जब वो अमेरिकी सदर पहली बार मुंतखब हुए। उस वक्त वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में और अमेरिका के बहुत सारे शहरों में ट्रंप इज़ नॉट माय प्रेसिडेंट के नाम से एक कैंपेन उनके खिलाफ चली, उनके पुतले जलाए गए और एक दो कैजुअलिटीज भी हुई और बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए। मगर सदर ट्रंप ने तब भी बर्दाश्त किया और अब भारत के दौरा के दौरान सदर ट्रंप को ये मंज़र फिर दिखाया गया और ये बात वाज़े है कि दिल्ली में सदर ट्रंप की मौजूदगी में, यानी उनके दौरा के रोज़ जो कुछ हुआ उसके पीछे यकीनी तौर पर फियर मॉन्गरिंग और कम्युनल फोर्सेस हैं। ये बात मैं बहुत दुख से कह रहा हूँ, लेकिन खुशी की बात यह है कि सदर ट्रंप ने इस हकीकत को महसूस किया और उस खौफनाक साने को, उस खौफनाक ट्रेजेडी को जो उनकी मौजूदगी में दिल्ली में हुआ, उन्होंने उस पर अननेसेसरली कमेंट्री करने की बजाय उसको भारत का मसला करार दिया। और यकीनी तौर पर वो भारत का मसला है। और मैं इस मामला पर ये सोचता हूँ कि ख़ास तौर पर जब हम कैनेडा में बैठे हुए ये शो कर रहे हैं, आपके सामने ला रहे हैं, अभी चंद रोज़ पहले कैनेडा में एक प्रोटेस्ट शुरू हुए नेटिव्स के राइट्स के नाम पर और एक्सट्रीम लेफ्ट के लोगों ने वो राइट्स को इंस्टिगेट किया और यहाँ पर रेल गाड़ियों की आमदोरफ्त को जाम कर दिया। कैनेडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, जो सेंटर लेफ्ट की आइडियोलॉजी से ताल्लुक़ रखते हैं, पहले तो उन्होंने ये कहा कि हम डायलॉग करेंगे और चाहेंगे कि डायलॉग के ज़रिए मसला रिजॉल्व हो। जब ये मसला डायलॉग के ज़रिए रिजॉल्व नहीं हुआ तो उन्होंने कल ही उन प्रोटेस्टर्स को हथकड़ियाँ लगवा दी और वो
प्रोटेस्ट ख़त्म करवा दिए, एक शदीद एक्शन लिया। और ये मामला अगर भारत में हो या सीए के ख़िलाफ़ जो भारत में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की पार्लियामेंट के यहाँ पर जो प्रो इस्लामिस्ट मेंबर पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो भारत को तनकीद का निशाना बनाते हैं। मैं उनसे ये पूछता हूँ कि वो अपने प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो से पूछें कि उन्होंने जब डिसरप्शन ऑफ पब्लिक लाइफ पर एक्शन लिया, तो क्यों उन्होंने अपने ही प्राइम मिनिस्टर को तनकीद का निशाना क्यों नहीं बनाया। अब मैं बात को फिर वापस लेकर आता हूँ डेली राइट्स जो आज हुए और सदर ट्रंप का जो दौरा दिल्ली का रहा। सदर ट्रंप ने अपने दौरा के दौरान एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने आखिर में की, वो तो अपनी जगह पर अहम है, मैं उस पर एक अलग से एक शो भी लेकर आऊँगा एक या दो रोज़ में आपके लिए, बहुत ख़ास शो उस पर मैं लेकर आऊँगा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। मगर आज मैं उनके दिल्ली दौरा के जो अहम फीचर्स हैं उसमें मैं बात करूँगा। बहुत अहम ट्रेड डील की शुरुआत हुई, जो बड़ी ट्रेड डील है, मुझे लगता है कि वो सदर ट्रंप अगर रीअलेक्ट हुए तो उसके बाद आगे होंगी। अगर सदर ट्रंप किसी वजह से रीअलेक्ट ना भी हो सके, तो भी अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट, अमेरिकन गवर्नमेंट के ये इंटरेस्ट में है कि वो भारत के साथ काम करेंगे, और इसमें भारत का इंटरेस्ट भी है और अमेरिका का इंटरेस्ट शायद भारत से भी ज़्यादा है उस रीजन की स्ट्रेटजी के हवाले से। सदर ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो बातें की दिल्ली में सदर ट्रंप की मौजूदगी में, वो बहुत अहम बातें हैं। दहशतगर्दी के हवाले से बातें हुई, सदर ट्रंप पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारे सवालात को डॉज कर रहे थे। मैं समझता हूँ उनका डॉज करना बनता है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में जो इस वक्त पीस प्रोसेस का सिलसिला चल रहा है, वो पाकिस्तान को कोई ऐसी हॉट बात नहीं करना चाहते। वो बार बार यही कह रहे हैं कि वो रीजन में पीस के लिए अपना काम करेंगे, ये एक अहम बात है, ये ज़रूर उनको अपना रोल अदा करना चाहिए, मगर टेररिज़म पर उनका स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। और एक मौका पर उन्होंने कहा उन जर्नलिस्टों को जो उनको प्रवोक करना चाह रहे थे, उन जर्नलिस्टों ने पूछा कि पाकिस्तान के हवाले से आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हवाले से मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान ने अच्छी शुरुआत कर दी है और पाकिस्तान इस मामले में अब राइट डायरेक्शन पर है, मगर टेररिज़म को कंट्रोल करना प्राइम मिनिस्टर मोदी जानते हैं। जैसा उन्होंने कल भी अहमदाबाद में कहा था कि इस्लामिक टेररिज़म को डील इंडिया और अमेरिका मिलकर करेंगे, और आज भी उन्होंने कहा कि हम ये जो टेररिज्म के इश्यूज हैं इसको हम मिलकर डील भी करेंगे, और व्हेन इट कम्स टू टेररिज्म कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जानते हैं कि किस तरह उसको डील करना है। ये उनका बहुत ही डिप्लोमेटिक और इन बिटवीन द लाइन एक मैसेज था उन जर्नलिस्टों को प्रेसिडेंट ट्रंप का, जो उनको प्रवोक करना चाह रहे थे। जब प्रेसिडेंट ट्रंप को ये भी पूछा गया कि आप सीए के बारे में या मुसलमानों के बारे में क्या कहते हैं इंडिया में, तो उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मुसलमानों के हवाले से बहुत सिंपथेटिक हैं, वो रिलीजियस फ्रीडम अक्रॉस ऑल फेथ्स इन इंडिया वो उसके हामी हैं, और उन्होंने उनकी भरपूर तारीफ की प्रेसिडेंट ट्रंप ने। और फिर जब उनसे ये एक सहाफ़ी गलती से सवाल कर बैठे कि आप प्रेसिडेंट ट्रंप ये बताएं कि आपने तो खुद बैन लगाया हुआ है कि कुछ मुसलमान मुल्कों से लोगों को नहीं आने देंगे, तो इस पर उन्होंने फिर बहुत टफ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैंने मुसलमानों को बैन नहीं लगाया, मैंने कुछ ऐसे लोगों की एंट्री पर या ऐसे ग्रोहों की एंट्री पर बैन लगाया है जो अमेरिका में खून खराबा कर सकते हैं, इसलिए वो नहीं आ सकते। तो ये जवाब बजाते खुद उन तमाम जो सूडो जर्नलिस्ट होते हैं या लेफ़्ट लीन के हॉलो एंड शैलो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, उनको मिल गया। सदर ट्रंप ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट चेहरे दिखाए जा रहे थे कैमरे पर,
मैंने जैसा कि वादा किया मैं शायद एक दिन में वो शो आपके साथ लेकर आऊँगा। उन जर्नलिस्टों को देखकर मुझे अंदाज़ा हो रहा था और उनकी बेबसी भी शायद मुझे एक तरह से दिख रही थी कि वो सदर ट्रंप से अपनी मर्ज़ी की कुछ बातें कहलवाना चाहते थे, मगर सदर ट्रंप ने हरगिज़ हरगिज़ वो बातें नहीं की जो वो जर्नलिस्ट हॉलो एंड शैलो आइडियोलॉजी वाले उनसे कहलवाना चाहते थे। उन्होंने वही बातें की जो ग्राउंड रियलिटीज़ की बातें हैं। बहरहाल सदर ट्रंप का भारत का दौरा मुकम्मल हुआ, बहुत ही कामयाब रहा। भारत और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत आगे जाएंगे, वो ऑलरेडी बहुत आगे जा चुके हैं, बहुत आगे जाएंगे, बिलाशुबा बहुत आगे जाएंगे। सदर ट्रंप ने बार बार कहा कि ख़ासतौर पर अमेरिका में बसने वाले भारतीय अमेरिकन जो हैं वो भारत और अमेरिका के ताल्लुकात को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाने में अपना मज़ीद किरदार अदा करेंगे, और यकीनन ऐसा ही हो रहा है और ऐसा ही होगा। बहरहाल मैं आज के मुख्तसर तबसरे में ये बात ज़रूर कहूँगा कि सदर ट्रंप का जो दौरे का दूसरा रोज़ था आज दिल्ली में, उसको ख़राब करने की कम्युनल फोर्सेस ने पूरी कोशिश की, और वो किसी तरह भी ना तो सदर ट्रंप के दौरा को ख़राब कर सके और ना ही सदर ट्रंप के मूड को ख़राब कर सके, क्योंकि अमेरिकन इंटेलिजेंस सर्विसेज को भी, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को भी, सदर ट्रंप को भी और भारतीय हुकूमत को भी अंदाज़ा है कि दिल्ली में जो आज खून की होली खेली गई उसका पस मंज़र क्या था। वो सदर ट्रंप की दिल्ली में मौजूदगी से अपना ये एक घिनौना रूप पेश करना चाहते थे जो उन्होंने रूप पेश किया, क्योंकि 60 दिन से ज़्यादा होने वाले डिफरेंट प्रोटेस्ट में इस लेवल तक वायलेंस दिल्ली में नहीं गया, आखिर आज ही के दिन क्यों गया जब सदर ट्रंप दिल्ली में मौजूद थे। ये वो सवाल है जिसका जवाब उनके घिनौने एक्शन में खुद ही मौजूद है। बहरहाल अब इस सारी सूरत हाल को हम कैनेडा में बैठे हुए ये तो तवक्को करते हैं कि भारतीय हुकूमत इसको एक आयरन फिस्ट के साथ डील करेगी, अब तक की जो लाकानूनियत चली आ रही है। मगर सदर ट्रंप का दौरा भारत बहुत ही कामयाब रहा, उसको नाकाम बनाने की सूडो इंटेलेक्चुअल्स ने, लेफ्ट के मीडिया ने और कम्युनल फोर्सेस ने अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर उन सब को अपनी मुंह की खानी पड़ी। और मैं अपने तबसरे में ये बात खुल के कहूँगा कि सदर ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का अब जो एक और पार्टनरशिप का आगे का दौर है वो दुनिया देखेगी। इससे पहले कि मैं बिला तकल्लुफ तजिए से इजाज़त चाहूँ, आखिर में मैं चाहूँगा कि ANI की वो न्यूज़ रिपोर्ट आपके साथ शेयर की जाए जो हम टैग टीवी पर ANI का न्यूज़ बुलेटिन साउथ एशियन न्यूज़ बुलेटिन हर रोज़ चलाते हैं उनकी मुआवनत के साथ, उनकी मदद के साथ। और उसी आज के न्यूज़ बुलेटिन में से उनकी जो रिपोर्ट है सदर ट्रंप के दिल्ली के दौरा के हवाले से, वो देखिए, और मेरी तरफ से इजाज़त। US President Donald Trump was accorded a ceremonial welcome at India's presidential palace in capital New Delhi on Tuesday. Trump, accompanied by First Lady Melania, was greeted by Indian Prime Minister Narendra Modi and Indian President Ramnath Kovind. The US President was then given the traditional tri-service guard of honor at the forecourt of the President House. President Trump and Melania later paid tributes at Rajghat, the memorial dedicated to India's founding father Mahatma Gandhi. They laid a wreath at the memorial and also observed 1 minute of silence. Later, Prime Minister Modi and President Trump held wide-ranging discussions on all aspects of India-US global strategic partnership at Hyderabad House. India and the US finalized defense deals worth $3 billion and signed 3 international documents including 2 MOUs and 1 letter of cooperation.
Both leaders later addressed a joint conference following delegation level talks. आज हमारी चर्चा में हमने इस पार्टनरशिप के हर अहम पहलू पर सकारात्मक विचार किया, चाहे वो डिफेंस एंड सिक्योरिटी हो, एनर्जी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो, टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन हो, ग्लोबल कनेक्टिविटी हो, ट्रेड रिलेशंस हो, या फिर पीपल टू पीपल टाइज. ट्रंप, who lauded 5G, defense and trade deals with Modi, said that the United States was working productively with Pakistan to counter terrorism on its soil. Earlier, US First Lady Melania Trump visited a government school in New Delhi that teaches a special happiness curriculum rooted in mindfulness practices. Trump, who arrived in Western Ahmedabad city on Monday for his maiden India visit, will depart for the US by his special flight on Tuesday night.